नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। जिले के गंगा नदी पर बने जनेश्वर मिश्र सेतु के समीप शिव शक्ति सेवा संस्थान के द्वारा सावन मास के शिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्तों को किया गया प्रसाद का वितरण। संस्था के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने बताया कि हम लोग को सेवा करना साथ ही सार्वजनिक कार्य करना अच्छा लगता है। विवेक चौरसिया गप्पू शिव शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स ने बताया कि हमारी संस्था हर गरीब की मदद के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता है। साथ ही हमारी संस्था गरीब परिवार की लड़कियों व लड़कों की शादी विवाह के साथ जनहित कार्य करती है। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर बाबा का प्रसाद भक्तों तक हम लोग वितरण कर रहे हैं और सावन मास के हर सोमवार को भी करते रहेंगे। इस दौरान संस्था के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम संतोष यादव है। आज यहाँ पे कैसा कार्यक्रम है? यहाँ पे ये आज शिवरात्रि का दिन है। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो कांवरिया बम लोग हैं उन लोगों का सेवा किया जा रहा है। जी, ये क्या नाम है आपका संस्था का? शिव शक्ति सेवा संस्था का नाम है। ये कहाँ पे कार्यक्रम हो रहा? ये जनेश्वर मिश्रा सेतु मार्ग। तो शिव भक्तों तक आप क्या संदेश देंगे प्रसाद के माध्यम से? हमारा भैया एक मतलब सोच के चलते हम लोग अपने तरफ सेवा करते रहते हैं। हम संदेश ठीक ऐसी भक्तों को प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। जी, ये किसके द्वारा हो रहा है सर? ये हमारे बड़े भैया संतोष यादव खटाईला अध्यक्ष जी हैं, उन्हीं के देख रेख में सब काम हो रहा है। ये कहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है? ये आपके जनेश्वर मिश्रा सेतु के पास में वहीं हो रहा है, ग्राम नगवा में। ये प्रसाद वितरण करने का क्या उद्देश्य है सर? भक्तजनों की सेवा करना। हम लोग मामूली आदमी अपने शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं। ये कब से आप लोग कर रहे हैं? ये प्रभु की दया से पहला साल है। आप देखिए कब तक चल रहा है। ये आपकी जो संस्था है क्या क्या करती है सर?